हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट के सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और सीआई के लिए हम चार वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम दे रखा है 2 ईयर, रेट है 12 1/2% और प्रिंसिपल हमें बताना है, जबकि सी आई हमारे पास है 6.80 रुपीज़। तो इसको सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट, अगर हम हमारी तरफ से कोई प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, और सेकंड है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। तो दोनों ही मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, दोनों ही शॉर्ट ट्रिक हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो रेट हमारे पास है 12 1/2%, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8। और प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 64, क्योंकि 2 ईयर्स दे रखे हैं। तो 8 स्क्वेयर हम करेंगे, 3 ईयर होते तो हम 8 क्यूब ले लेते। और 8 स्क्वेयर हमने क्यों लिया, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में रेट है 1/8, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 64 1/8 यानी कि 8 रुपये। और सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, जो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले तो जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 8 रुपये। और सीआई के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगता है। तो 8 रुपये जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा और रेट हमारा सेम रहेगा। तो 1/8 ऑफ 8 कितना हो गया, 1। अब ये हमारा टोटल जो है सीआई है, और ये है हमारा एसआई। सी आई कितना हो गया यहाँ से, 8 + 8 दैट इज 17, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 6.80। तो यूनिटरी मेथड से अगर इसको हम सोल्व करते हैं, 17 की वैल्यू है हमारे पास 6.80, 1 यूनिट हो जाएगी 0.4। तो प्रिंसिपल हमने कितना एज्यूम किया था, 64 को 0.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25.6। तो यहाँ से देखें, क्योंकि दो बार हमें 1/8 लेना था, इसलिए हमने 8 स्क्वेयर यहाँ पे एज्यूम किया। अगर 3 ईयर टाइम होता तो सेकंड जो ये 1 है, इस पर भी हमें सेम रेट से इंटरेस्ट लेना होता, इसलिए हम 8 क्यूब ले लेते अगर टाइम 3 ईयर्स होता। और अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं, जैसे कि हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट में। रेट है हमारे पास 12 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, यानी कि 8 से 1 इंक्रीज हो रहा है, तो 8 हमारा है प्रिंसिपल और 9 हमारा हो जाएगा अमाउंट। और सेकेंड ईयर इसको भी हम 1/8 लेते हैं, तो 8 से 9 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। तो 64 हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट, 81 है हमारा अमाउंट टोटल आफ्टर इंटरेस्ट। तो अगर हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा सीआई। 81 - 64 दैट इज़ 17। अब ये जैसे हमने प्रीवियस मेथड में सोल्व किया था, 17 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6.80, 1 यूनिट हो जाएगी 0.4। और क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल। 64 को हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, सेम ऐसा ही। रेट दे रखा है हमारे पास 16 2/3%, टाइम है 2 ईयर, सीआई हमें बताना है और प्रिंसिपल भी पूछा गया है, जबकि हमारे पास अमाउंट दे रखा है 1470 रुपीज़। तो सबसे पहले हम रेट को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 16 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6। अब टाइम 2 ईयर है, तो हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम करेंगे, 6 स्क्वेयर दैट इज़ 36। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, 36 का 1/6, 6 रुपीज़। और सेकंड ईयर के लिए जो 36 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा, 6 रुपये, और जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का, उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगेगा 1/6, ये हो जाएगा 1।
तो टोटल सी आई कितना है, 6 + 6 + 1 दैट इज 13, और प्रिंसिपल है 36, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 49, लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना दिया गया है 1470। तो 14 यूनिट की वैल्यू है 1470, 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 30 के इक्वल। अब जो हमसे पूछा गया है उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रिंसिपल हमसे पूछा है तो 36 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1080। और सीआई कितना हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग था 13, लेकिन एक यूनिट 30 के बराबर है, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 390। और अगर डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि ये हमारा एसआई है 12, और जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट था वही हमारा डिफरेंस है। तो आंसर आ गया 30। और सेकंड मेथड से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो रेट है 1/6, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट है, तो 6 से हो जाएगा 7, और सेकंड ईयर के लिए 6 से 7, प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 36, अमाउंट हो गया 49, और सी आई कितना आ जाएगा यहाँ से 13। अब 14 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, जो पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट दे रखा है 11.9%, टाइम है 2 ईयर, अमाउंट और प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, जबकि सीआई दे रखा है हमारे पास 70 रुपीज़। तो अगर हम सेकंड मेथड से इसको सोल्व करते हैं, 11.9%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100/9% डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ 1/9, तो 9 से हो जाएगा 10, अगेन 9 से 10, तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 81 और अमाउंट है 100, सी आई कितना आ जाएगा 19, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, सी आई दे रखा है 70 रुपीज़, लेकिन सिर्फ सेकेंड ईयर का सी आई दे रखा है, तो ये मेथड हमारा यहाँ पे हो जाएगा फेल, क्योंकि इस मेथड से हम सिर्फ टोटल सी आई निकाल सकते हैं, और सी आई एस आई का डिफरेंस अगर पूछा गया है तब भी ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए हम जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको सेकेंड मेथड से ही सोल्व करेंगे सिर्फ। तो रेट हमारा था 11.9, इसको हम लिख सकते हैं 1/9, अगर हम प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, टाइम है 2 ईयर्स, तो 9 स्क्वेयर हम लेंगे 81, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा 9 रुपये, और सेकेंड ईयर के लिए जो 81 पे इंटरेस्ट लगेगा 1/9 दैट इज़ 9 रुपीज़, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगेगा, रेट सेम रहेगा 1/9, तो ये हो गया 1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है सेकेंड ईयर का सी आई 70 रुपीज़, 9 + 9 = 18, 19 हमारे पास है टोटल सी आई, लेकिन सेकेंड ईयर का जो सी आई है वो है 9 + 1 = 10, क्योंकि ये जो 9 था ये फर्स्ट ईयर का था, तो ये आ गया 10, 10 की वैल्यू है 70, 1 यूनिट हो जाएगी हमारे पास 7 के इक्वल, और प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है तो 81 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 7 and 56, 567, और अमाउंट होगा, प्रिंसिपल था 81, इंटरेस्ट है 19, टोटल हो जाएगा 100, लेकिन 1 यूनिट 7 के बराबर है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 700। तो ये हमारा यूनिवर्सल मेथड है, ये सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, तो हम सभी क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेट दे रखा है 15%, टाइम है 2 ईयर, सी आई और एस आई का डिफरेंस हमारे पास दे रखा है 2.70 रुपीज़, तो हमसे सी आई पूछा गया है और प्रिंसिपल पूछा गया है, तो सबसे पहले वही हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे रेट को, 15%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 3/20, और अगर हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे तो वो होगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में जो है उसको लेना है,
फॉर एग्जाम्पल 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, इसका हम 15% निकालें या फिर 3/20, एक ही बात है, इसलिए हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हम लेते हैं। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 400 और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 400 का 3/20, दैट इज़ 60 रुपीज़। और सेकंड ईयर के लिए हमारा सीआई कितना होगा, पहले तो जो हमारा प्रिंसिपल था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा 3/20, दैट इज़ 60, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा 3/20, दैट इज़ 9। तो सीआई कितना हो गया हमारा यहाँ से 60 + 60 + 9 = 129। और एसआई कितना है, अगर हम जो सेकंड ईयर में जो सीआई के ऊपर एसआई के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा था उसको हटा देते हैं तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 120। डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से 9 रुपीज़, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 2.70, तो 9 यूनिट बराबर हैं 2.70, 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 0.30 के बराबर। अब प्रिंसिपल पूछा गया है तो हमने एज्यूम किया था 400, इसको 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 120। और अगर सीआई पूछा है तो सीआई हमारे अकॉर्डिंग था 129 और 1 यूनिट इक्वल है 0.3 के, तो ये हो जाएगा 38.70 रुपीज़। नेक्स्ट टाइप अब हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या दिया गया है, रेट दोनों साल के लिए अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए 14 2/7% और सेकंड ईयर के लिए 11 1/9%। टाइम है 2 ईयर, सीआईएसआई का डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 40 रुपीज़ और हमें क्या बताना है प्रिंसिपल। तो रेट को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा 14 2/7 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1/7 और 11 1/9 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/9। अब हम प्रिंसिपल ऐसा एज्यूम करेंगे कि फ्रैक्शन ना बने, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम इसको 1/7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 7 से कटना चाहिए और सेकंड ईयर में ये 9 से कटना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीपल ही हम ले लेते हैं 9 × 7, दैट इज़ 63। अब फर्स्ट ईयर में रेट कितना है 1/7, इंटरेस्ट हो जाएगा 9 रुपीज़, लेकिन जो सेकंड ईयर के लिए हमारा रेट परसेंट है 11 1/9 या फिर इसको 1/9 हम लिखें तो इंटरेस्ट आ जाएगा 7 रुपीज़, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है अब वो 1/9 से होगा, क्योंकि रेट जो है सेकंड ईयर के लिए 1/9 है, तो ये आ जाएगा 1। एसआई कितना हो गया हमारा 9 + 7 = 16 और सीआई टोटल हो गया 16 + 1 = 17। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 1 यूनिट, लेकिन हमारे पास दिया गया 40, 1 यूनिट हो जाएगी 40 के बराबर। अगर प्रिंसिपल हमसे पूछा है तो 63 हमने एज्यूम किया था, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2520। कुछ नहीं करना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम प्रिंसिपल को कैसे एज्यूम करें, तो जो डिनोमिनेटर में है या तो हम उसका स्क्वायर लेंगे, अगर अलग अलग दिया गया है तो हम उसका मल्टीपल ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब टाइम हमारे पास जो है ईयर्स में ना देके डेज में दिया हुआ है, 1 ईयर 73 डेज और रेट है 16 2/3%। प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया गया है 18,000 रुपीज़ और सीआई हमसे पूछा है, लेकिन अगर हम 18,000 लेंगे तो ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा, इसलिए हम हमारे अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंसिपल मान सकते हैं। तो सबसे पहले रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 16 2/3%, दैट इज़ 1/6। तो अगर हम प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 36। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1/6, दैट इज़ 6 और सेकंड ईयर के लिए
जो प्रिंसिपल पे लगेगा 6 और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट 1। तो ये जो 6 है ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, तो एक साल हमारे पास कंप्लीट है और 73 डेज हैं। तो ये जो सेकंड ईयर के लिए है 6 + 1 = 7, ये 365 डेज के लिए है, क्योंकि हमने 2 साल का मान के निकाला है। तो 365 डेज के लिए अगर हमारे पास 7 है तो 73 डेज के लिए कितना होगा, 73 दैट इज 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। अब टोटल सीआई कितना हो गया हमारा, 6 + 1.4 दैट इज 7.4, और ये कितने टाइम के लिए है, 1 year and 73 डेज। और क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया 18,000, हमने कितना एज्यूम किया, 36, तो 36 यूनिट इक्वल है 18,000 के, 1 यूनिट हो जाएगी 500 के बराबर। हमारा सीआई निकल के है 7.4, 1 यूनिट 500 के बराबर है, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सीआई आ जाएगा 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट दे रखा है 15%, टाइम है 1 year 6 month और सीआई हमारे पास है 9.45 रुपीज़। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेज दिए हुए थे तो अब मंथ्स में दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वही रेट है 15% यानी कि 3/20, प्रिंसिपल हम एज्यूम करेंगे 400, इंटरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए 3/20 दैट इज 60, सेकेंड ईयर के लिए 60 और 60 पे 3/20 9। ये जो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है 60 + 9, ये कितने दिन के लिए है, 12 मंथ्स के लिए यानी कि 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए 69 और 6 मंथ्स के लिए अगर हम निकालते हैं तो 2 69/2 दैट इज 34.5। तो टोटल से यही हमारे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट था 60 + 34.5 = 94.5। तो हमारे अकॉर्डिंग सी आई है 94.5 और क्वेश्चन में दिया गया है 9.45, तो 1 यूनिट हो जाएगी 1/10 के इक्वल। अगर प्रिंसिपल हम निकालते हैं तो 400 × 1/10 दैट इज 40 रुपीज़। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।